जम्मू कश्मीर में हाल ही में मोदी सरकार की तरफ से 10,000 सैनिकों की तैनाती के बाद घाटी में तनातनी का माहौल देखा जा रहा है। सूबे की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने साफ तौर पर अनुच्छेद 35A को लेकर बीजेपी को खरी खरी सुनाते हुए कहा है कि जो भी ऐसा करेगा वो जलकर खाक हो जाएगा। तो वहीं अब जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सैनिकों की तैनाती पर बयान देते हुए इशारों में मुस्लिमों की भी सलाह दे दी है। राज्यपाल मलिक ने कहा है कि धारा 35A और कश्मीर में सुरक्षा बलों की तैनाती से जुड़ी खबरों को अफवाहें करार देते हुए कहा कि जिन सरकारी आदेशों के बारे में बातें फैलाई जा रही हैं वो सब बेबुनियाद हैं। तो वहीं उन्होंने आगे ये भी कहा कि एक साल से तो उनका शॉल वाला भी उनसे पूछता रहा, साहब आज़ाद हो जाएंगे क्या? तो मलिक ने शॉल वाले से कहा कि तुम आज़ाद ही हो, और अगर तुम आज़ादी पाकिस्तान के साथ जाना समझते हो तो चले जाओ, कौन रोक रहा है, मगर भारत को तोड़कर कोई आज़ादी नहीं मिलेगी। SBN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।